नमस्कार साथियों तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी नीति त्याग पत्र देकर नौवीं बार बनेंगे सीएम और भाजपा हम और एक निर्दलीय के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं होम मिनिस्टर साहब एक बात आप लोगों को बता दूं कि कभी आप देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के साथ फिर बीजेपी के साथ फिर बीजेपी से आरजेडी कांग्रेस के साथ फिर आर... बीजेपी के साथ तो नीतीश कुमार का ये चलता रहता है और कभी भी कहीं भी चले जाते हैं देखिए बिहार की बात करें तो आप देखिए पटना इसकी राजधानी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में आप देखिए तो उत्तर प्रदेश झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है विधानसभा में आप देखेंगे दो सीटें हैं विधान परिषद में पैंतालीस सीट विधान परिषद में पचहत्तर सीटें हैं राज्यसभा में सोलह सीटें हैं लोकसभा में चालीस सीटें हैं अंठानवे हजार नौ सौ चालीस वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार देखिए अगर हम मुख्यमंत्री पद की बात करें तो आप लोग संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौसठ को पढ़िए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद एक कहता है प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के पास नाम का कार्यकारी अधिकार है लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति अधिकार प्रभाव निष्प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम भी करती है एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे छह महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी ऐसा ना होने पर उसे पद मुख्यमंत्री पद का त्यागपत्र देना होगा और देखिए एक बात याद रखिए इसके मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्य पाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत है याद रखिएगा। सापा का कांग्रेस गठबंधन संभालने को ग्यारह सीटों की पेश की हुई है यह आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है लखनऊ इसकी राजधानी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली से आठ राज्यों से लगती है और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगती है विधानसभा में 403 सीटें हैं विधान परिषद में 100 सीटें हैं राज्यसभा में 31 सीटें हैं लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेगी तो उत्तर प्रदेश ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है हाउती आतंकियों ने बेटे तेल टैंकर पर दागी मिसाइलें मदद को पहुंचा आई एन एस चालक दल के तेईस सदस्य से बाईस भारतीय है अदन की खाड़ी में में हुए हमले में, जहाज में लगी जान माल की हानि नहीं भारतीय नौसेना ने मदद के लिए टैंकर पर अग्निशमक उपकरणों के साथ एनवी एनवीसी टीम उतारी और ये आप देख रहे हैं कि लाल सागर हो या आसपास का क्षेत्र हो यहां आप देख रहे हैं कि हाउती विद्रोहियों के द्वारा हमले किए जा रहे जहाजों पर तो ये भी आप देख रहे हैं पीएम की आलोचना पर हाईकोर्ट ने दो कर्मचारी निलंबित केरल हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिवस पर आप देखेंगे कि आयोजित स्टेज शो में कथित तौर पर अपमानजनक सामग्री दिखाने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना के लिए और अपने दो कर्मचारियों को सेवा से निलंबित कर दिया है हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि दोनों कर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगे अब देखते हैं आगे क्या होता है जजों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप जाति प्रमाण पत्र घोटाले में एकल और खंडपीठ में लंबित सुनवाई पर रोक पांच जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई कर आदेश दिया है दाखिले में अनियमितताओं से जुड़ी जाति प्रमाण पत्र घोटाले की बात हो रही है इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बीच विवाद और थामने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया गया है ज्ञान व्यापी में एक बार फिर हो सकता है एएसआई का सर्वे और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 अप्रैल 2021 को पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वो, बोर्ड बोर्डन इंतजामिया मसाजिद की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विशेष विश्वसर के उन्नीस के मुकदमे में अदालत दे चुकी है सर्वे का आदेश दो के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद पक्ष की याचिकाएं खारिज कर चुका है हाईकोर्ट एक बात आपको बताऊ ना

महेश भूपति बारह बार सानिया मिर्जा छह बार रोहन बोपन्ना दो बार ये जरूर याद रखिएगा अब आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं अधिकतर न्यूज तो हमारे यहां देखते हैं कि राजनीति पर ही रहती हैं ये आप लोग देखते रहते होंगे सदन में गलतियों का बचाव करना ठीक नहीं आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें उनमें विधानसभाओं की बड़ी भूमिका है देश की प्रगति तब होगी जब राज्यों की प्रगति होगी विधायिका और कार्यपालिका मिलकर लक्ष्य निर्धारित करेंगे उद्घाटन करेंगे और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है संविधान के अनुच्छेद एक के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है अट्ठाईस जनवरी उन्नीस में स्थापना हुई थी सरकार ने बेटियों के लिए खोले कई क्षेत्रों के दरवाजे मोदी साहब कर रहे हैं कहा पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्यक्रमों तक सीमित थी बेटियां पीएम ने युवाओं को विकसित भारत का वास्तुकार बताया सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक आप देखिए एशियाई खेलों में रजक पदक जीतने के बाद दी गई पदोन्नति और दिसंबर 2022 में थल सेना के सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थी ये जरूर नाम याद रखेगा राज्यों के लिए आसान नहीं पानी शुल्क तय कर पाना राष्ट्रीय जल नीति नीति के अनुरूप अब तक ढांचा नहीं बना पाए राज्य राजनीतिक कारणों से सिंचाई वाले पानी पर शुल्क वसूलना बस... मुश्किल है यहां अब आप देखिए राजनीति की बात हो रही है जब से नीतीश कुमार की पलटी की बात हो रही है आप देखिए हर न्यूज़पेपर पर दिन भर वही खबरें चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है और देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, याद, याद में चुनाव होते हैं वहां याद रखिएगा और जहां की उठापटक होती है इंडिया की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि एक संविधान संस्था है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और आप देखते हैं कि सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड के 170 मदरसों में पढ़ाई जाएगी श्री राम की कथा वफ बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम संचालन को लेकर मदरसा प्रबंधकों को दिए गए आवश्यक निर्देश वफ बोर्ड अध्यक्ष बोले विकसित भारत की तर्ज पर किया जा रहा है मदरसों में भी बदलाव लाने का प्रयास इंडोनेशिया से लेनी होगी सीम एक और आप लोगों को देखिए बात बता दूं मैं भगवान अगर हम लोग कहें ना श्री राम की तो उनसे हर कोई सीख सकता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो उनसे संघर्ष कैसे रहना है कैसे जीवन होना चाहिए तो वो किसी मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो किसी एक धर्म जाति के भगवान हो ही नहीं सकते सभी दुनिया के भगवान माने जाते हैं जरांगे की सभी मांगे राज्य सरकार ने मांगी मानी खत्म हुआ मराठा आंदोलन मुंबई में अपने समर्थकों के साथ डेरा डाले जरांगे ने सर से सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने की बातचीत आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने की उनकी मांग खारिज हुई है ए ओबीसी कोटे में आरक्षण की बैकडोर एंट्री की बात हो रही है महाराष्ट्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री वर्ग ओबीसी नेता भुजबल ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अपनी इस सरकार पर बोलते हुए प्रवेश बात, जैसा है भुजबल लगातार मराठों को देकर ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं अब आप देखिए कोर्ट वोट भी जाएंगे अब देखते हैं क्या होता है उत्तराखंड में अगले अगले माह लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात हो रही सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ये आप देखिए केरल में पल्ली वेटा उत्सव आप देखिए केरल राज्य के कोची कोट में प्रसिद्ध वलयनाद नद देवी मंदिर में पल्ली विट, विट्टा उत्सव के दौरान सहये हाथियों के साथ सिद्धालु आप देखेंगे और यह भारत के अति दुर्लभ मंदिरों में से एक है गर्भगृह में शिव योगी शिव शंकर द्वारा प्रतिष्ठित श्री चक्र भी है छिहत्तर दिन बाद सिलकारा सुरंग में निर्माण कार्य शुरू हुआ है यह आप देखते हैं कि फंस गए थे ना इकतालीस में तो उसी की सुरंग की बात हो रही है और याद रखिए आज है संडे यानी कि रविवार तो आप सभी जानते हैं कि रात आठ बजे हम लोग लाइव जुड़ते हैं आप लोगों के जो सवाल हो सुझाव हो तो जरूर आप लोग भेजिएगा शिक्षा के आधार को सुदृढ़ करते नवाचार तकनीकी और ट्रैकर से पटरी पर लौट रही बुनियादी शिक्षा ये अच्छी बात है डेओडी तक पहुंचा विकास तो बेटियों ने रचा इतिहास बरेली बरेली के लखौरा प्राथमिक विद्यालय की बाल बाटिका में छात्राओं के साथ पढ़ा प्राधानाचार तो मुझे लगता है कि अगर आप सोचिए कि शिक्षक और स्थानीय जो हम लोग प्रतिनिधि जिन्हें चुनते हैं अपना नेतृत्व करने के लिए उन्हें अगर इस तरह की व्यवस्था करवाई जाए और वो ईमानदारी से अपना काम करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है फीएर लर्निंग कर रही है गणित व भाषा में मजबूत प्रदेश में अग्निवीर की तर्ज पर बहाल होंगे बनवीर पांच साल के लिए होगी भर्ती अच्छे प्रदर्शन पर तीस प्रतिशत को दी जाएगी बन रक, रक्षक के पद पर नियुक्ति कुल बन रक्षक के पद आप देखिए बीस हजार छः सौ सत्तर है वर्तमान में बन रक्षक आप देखिए सोलह हजार आठ सौ पचहत्तर है खाली पद आप देखिए तीन हजार सात सौ पंचानवे है अच्छी बात है अब आप देखिए संपादकीय पाठ है ये आपको प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं एक सामान्य जानकारी भी मिलती है राम से राष्ट्र की ओर तो आप देखेंगे कि आखिरकार रामलला अयोध्या में अपने धाम आ गए हैं लगभग 500 वर्ष पहले आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्म स्थान मंदिर पर मस्जिद बनावा हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाया था उस पर अब जाकर मरहम लगा है यह काम स्वतंत्रता के बाद ही हो जाना चाहिए था जैसे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके किया गया था लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और इसका कारण उनकी सेकुलरिज्म की अपनी अवधारणा और तुष्टिकरण की राजनीति ही रही रहा नेहरू के बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी अयोध्या मामले में की अनदेखी की और इस अनदेखी के चलते ही अयोध्या आंदोलन ने आकार लिया और इसकी भी अनदेखी की गई कि इसके चलते ही मंदिर की जगह बनाया गया मस्जिद का ढांचा ढहा

लोगों को बुलाया इसमें इनमें आप देखिए विरोधी दलों के नेता भी शामिल थे लेकिन कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने इस आयोजन से दूरी बना ली कांग्रेस के इस फैसले पर आप देखिए इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह इसका श्रेय लिया करती थी अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था उन्होंने भी मंदिर का शिलान्यास कराया था और इसके अलावा कुछ समय पहले तक राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते थे यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह ऐसा होना होने का दिखावा करते थे और इसके पीछे उसका उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना था जब उन्हें मंदिरों के चक्कर काटने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला तो वह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पर होता रहा है। और इसमें संदेह नहीं है कि तृष्टिकरण की इस राजनीति के कारण कांग्रेस ने राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया इस समारोह में शामिल न होना अलग बात है और उसका उनका बहिष्कार करना अलग मामला है तो देख सकते हैं इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं राजनीति पर से संबंधित ही रहते हैं आप जानते भी हैं ईमानदार दिखने की मजबूरी अब लोग कमीशन खाने उपहार लेने मिठाई पाने जैसी बीती बातों को भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं और मुझे लगता है कि भारत में तो जीवन सिद्ध मूलभूत अधिकार मान लिया गया अपना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और रिश्वत लेना कहीं कोई ये आवाज ना उठाने लग जाए कि मौलिक अधिकारों में शामिल करिए क्योंकि जिस हाल हिसाब से आप देखिए कहीं भी जाइए आप बिना रिश्वत के काम ही नहीं होगा देश में विमान से यात्रा करने वालों की संख्या ये 2019 में करोड़ में है चौदह दशमलव चार करोड़ थी 2023 में आप देखिए पंद्रह दशमलव दो करोड़ हो गई है ये सदा सहता सदा सहता ये एक गुड़ नहीं है गुड़ का समुच्चय है जब इसका प्रवेश अंत में हो जाता है तो मन बाणी और कर्म के साथ दृष्टि भी पवित्र हो जाती है जीव मात्र से आंतरिक तदा तदात्मय स्थापित हो जाता है सांसारिक भेद सुता समाप्त हो जाते हैं भिल्ली में मात्र गिर्द में पित्त और निषाद के वट एवं कोल भीलों में भ्रात भाव की प्रतीत होते होने लगती है और रीछ बानर भी स्वयं सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं फिर रावण जैसे बलशाली को भी पराजित करने में देर नहीं लगती है संसार में कोई शत्रु नहीं रहता एक भी आज ऐसा चरित्र दुर्लभ है किंतु वैरव वैरव राम बड़ाई करिए बोलन मिलनी विनय मन हरिए कहकर गोस्वामी जी ने इसे सर्व सुलभ कर दिया है वह चरित्र है कि भगवान श्री राम का जो हर मानव को देव तथा धरती को सहयोग बनाने में सक्षम है भगवान राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर सीखने की आप में दिलचस्पी है और क्षमता है तो नारी शक्ति की भूमिका प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नेशनल क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी की, की रैली को संबोधित करते हुए यह जो कहा कि कभी बेटियों की भागीदारी केवल सांस्कृतिक के आयोजनों तक सीमित रहती थी लेकिन आज भारत की बेटियां जल थल और नव और अंतरिक्ष में भी अपनी क्षमता का लोहा मनवा रही है वह वर्तमान का भी है और बदलते भारत की नई तस्वीर भी इसका एक झलक गणतंत्र दिवस पर भी देखने को मिली है पचहत्तर गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की महिलाएं सैनिकों को के दल ने भागीदारी की है और यह है भी उल्लेखनीय है कि जब कर्तव्य पथ पर नारी की शक्ति की ओर से अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया जा रहा था तब सेनाओं सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी ले रही थी और गत दिवस एन की वार्षिक रैली में यह दिखा कि नारी शक्ति कैसे हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है इस रैली में आप देखिए चौबीस देशों के कैडेट तो थे ही देश के अलग अलग हिस्सों में स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं भी अतिथि के रूप में थीं और निसंदेह ऐसा नहीं है कि युवतियां केवल सेनाओं युद्ध सैनिक बलों पुलिस में ही अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है शासन प्रशासन के साथ उद्योग व्यवहार जगत और तकनीक एवं विज्ञान के क्षेत्र में भारत की महिलाएं अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं वे खेल के जगत में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं वे केवल विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी ही नहीं कर रही हैं बल्कि अपनी उत्कृष्टता भी साबित कर रही है और इसरो के चंद्र और सूर्य अभियानों में महिला विज्ञानियों की महत्व भूमिका किसी से छिपी नहीं है अब आप लोग कहते हैं कि निबंध की तैयारी हम कैसे करें और इनका आंसर में कैसे उपयोग कर सकते हैं न्यूज़पेपर में देखिए यही मटेरियल आपका रहता है निबंध लिखने के लिए महिलाओं की स्थिति पर निबंध लिखने के लिए आ गया आंसर लिखने के लिए आ गया लिखी है ना भाई यही आप समझ रहे हैं आप लोग इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के शहरी समाज में तो हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उन्हें वैसा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जैसा अपेक्षित है और आवश्यक है यह ठीक है कि सरकार प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करी है लेकिन इसी के साथ समाज को भी यह देखना होगा कि बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसे इनकार नहीं किया नहीं है कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है लेकिन अभी उनकी संख्या उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए हाल के एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान में आप देखिए देश में महिला श्रम बल की भागीदारी सैंतीस प्रतिशत है इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि जब महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगी तो इससे केवल वही सशक्त नहीं होगी बल्कि घर परिवार और समाज भी सक्षम बनेगा जब ऐसा होगा तब देश की भी समर्थ बढ़ेगी स्पष्ट है कि नीति नेताओं के साथ समाज को यह समझना होगा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति आसान होगी विकास में उद्योगों का सहयोग उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं में उद्योग साझेदारी भूमिका निभा रहे हैं यह भूमिका नियंत्रण बढ़ना अच्छा संकेत भी है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एस सी एस आर फंड का उपयोग बढ़ रहा है अलग उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद इस फंड अब तक एक हजार सत्रह करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है बीते वर्षों में कॉरपोरेट करानों प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से से मिली आर्थिक सहायता राजकीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं दो में भीषण आपदा से तबाह हुए कैदारनाथ में भी, भी पुनर्निर्माण कार्य इसी प्रकार की सहायता से संचालित किए जा रहे हैं अब इस फंड का और बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकेगा प्रदेश सरकार ने फंड की नियोजन के नियोजन प्रबंधन के साथ ही इसके माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट रणनीति के साथ बढ़ने का निर्णय लिया है और अभी तक सी एस आर फंड को दे देने उपयोग में विभागीय या जिला स्तर पर निर्णय होते थे इसका परिणाम यह सामने आने आया कि कई जिलों को इस फंड में से अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया और ऐसे जिलों में टेहरी पोड़ी और बागेश्वर सम्मिलित है चमोली चंपारण चंपावाद नैनीतालों पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ तीन प्रतिशत से भी कम राशि उपलब्ध हो पाई है देहरादून आप देखिए हरिद्वार ऊधम सिंह नगर जिलों के हिस्से सर्वाधिक धनराशि आई है और सी एस आर फंड के वितरण में यह असमानताएँ आने वाले वर्षों में दूर होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है कि उनके निर्देश पर नियोजन विभाग सी एस आर फंड का सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उपयोग करने की कार्य योजना तैयार कर रहा है उद्योगों और भी संगठनों से इस संबंध में सहयोग मांगा गया है उद्योगों से मिलने वाला बाली वित्तीय सहायता से राज्य के दूरस्थ पिछड़े वंचित क्षेत्रों में भी आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है शहर में शरीर में चिर यौवन की कुंजी चिर यौवन की कुंजी एक क्या मनुष्य सर्दियों से चिर यौवन के नुक भी हो सकता है अमेरिका की कोल्ड स्प्रिंग हार्वर लेबोरेटरी के विज्ञानियों ने पता लगाया है कि टी कोशिकाओं को आयु वृद्धि से लड़ने के लिए संशोधित किया जा सकता है टी कोशिकाओं की तरह ही श्वेत कोशिकाएं होती है अनुमानसिक संशोधनों के सही सेट से टी कोशिकाओं की रिप्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग करके उन्हें कोशिकाओं के दूसरे समूह पर हमला करने के लिए तैयार किया जा सकता है जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती है और इन्हें सेसेंट कोशिकाएं कहा जाता है सेसेंट कोशिकाएं दरअसल वृद्धि कोशिकाएं होती हैं जो आयु वृद्धि के साथ अपनी प्रतिकृति बनाना बंद कर देती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वे हमारे शरीर में जमा होने लगती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक सूजन हो जाती है इस समय कई दवा मौजूद कई दवाएं मौजूद हैं जो इन कोशिकाओं को खत्म कर सकती है इनमें से कई दवाओं को बार बार लेना पड़ता है विज्ञानियों ने दवाओं के रूप में एक जीवित दवा सी ए आर काइमेरिक एंटी एंटीजेन रिसेप्टर टी कोशिकाओं की रूख किया है उन्होंने पाया कि चूहों में वृद्ध कोशिकाओं को खत्म करने के लिए सी ए कोशिकाओं में हेरफेर किया जा सकता है परिणाम स्वस्थ जीवन जीने लगे हैं और उनके शरीर का वजन कम हुआ है फिलहाल कोई अन्य थेरेपी ऐसा नहीं कर सकती है शायद कोशिकाओं की सबसे बड़ी शक्ति उनकी दीर्घायु है कम उम्र में सिर्फ एक खुराक देने से जीवन भर उसका असर हो सकता है और यह एक यह एकल उपचार उन दशाओं से रक्षा कर सकता है जो आमतौर पर जीवन में जीवन में बाद में प्रकट होती है इनमें मोटापा और डायबिटीज शामिल है टी कोशिकाओं में याददाश्त विकसित करने और शरीर में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता होती है जो एक रासायनिक दवा से बहुत अलग है सी ए आर टी कोशिकाओं को की थेरेपी पुरानी और दीर्घकालिक बीमारियों के उपचार में बहुत उपयोगी हो सकती है इन कोशिकाओं के लाभ पहली बार सामने नहीं आए और विभिन्न प्रकार के रक्त कैंसर के इलाज के लिए सी ए आर टी कोशिकाओं का उपयोग किया गया है और इस उद्देश्य के लिए दो में अमेरिका की एब डी ए की मंजूरी मिल चुकी है अब आप देखिए एफ अब सी ए आर टी को शिकाओं की चिकित्सा क्षमता कैंसर से भी आगे तक जाती है विज्ञानी अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या सी ए सी ए आर टी को चूहों को सचमुच लंबे समय तक स्वस्थ और जीवन जीवित रखने देती है और यदि ऐसा है तो हम चिर यौवन के बहुप्रतीक्षित स्रोत की ओर पहुँचे करीब पहुँच जाएंगे यहाँ भी आप देखते कॉलम रहता है इसका इसकी पी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है चरित्र व संवाद के माध्यम से राजनीति हिंदी सिनेमा में एक समुदाय विशेष के प्रति सहानुभूति दर्शाने के का खेल लंबे समय से चल रहा है हाल के वर्षों में आप देखते हाल के दिनों में वेब सीरीज आदि में यह प्रयोग खूब हो रहा है चरित्र व संवाद भी उसी अनुरूप गढ़े जा रहे हैं हालिया से रिलीज वेब सीरीज द इंडियन पुलिस फोर्स में कुछ इसी प्रकार दर्शाया गया है इतना ही नहीं प्रभु श्री राम को भी मांसाहारी दर्शाते हुए ओ पर एक फिल्म सीरीज हुई है लिहाजा कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जारी ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए राब राज और लाला लाजपत राय आज लाला लाजपत राय का जन्मदिन है उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के क्रम में द करने के क्रम में अंग्रेजी में यंग इंडिया द पंजाबी और द पीपल एंड उर्दू में बंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन किए प्रकाशन किया था साथ ही डी कॉलेज और पंजाब नेशनल बैंक से लेकर लोक सेवक मंडल तक कई संस्थानों को गढ़ने का काम किया था आर समाज को उन्होंने माता और महर्षि दयानंद को अपना धर्म पिता बताया था जैसे स्टालिन और लेनिन ने मार्क्सवाद को आगे बढ़ाया कुछ उसी तरह उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के सपनों को पंख लगाने का महान काम किया था किताब पढ़ना हुआ तो पढ़ लिया करिएगा कैप्टो करेंसी पर सरकार को लेना ही होगा निर्णय अमेरिका में शेयर बाजारों के जरिए बिटकॉइन में निवेश की इजाजत के बाद बड़ी फैसले की जरूरत जरूरत और आप देखें कि 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाता है लगता है करेंसी से होने वाले किसी भी पूंजीगत लाभ पर देश में आरबीआई गवर्नर कैप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में है जी देशों के साथ मिलकर कैप्टो का पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने पर विमर्श कर रहा है भारत आर्थिक विशेषज्ञ बोले अमेरिका के फैसले का होगा वैश्विक के निकालना होगा कोई रास्ता विदेशी मुद्रा भंडार में दो दशमलव आठ अरब डॉलर की गिरावट हुई है गुना, गुना तीसरी सुधारों पर, सुधारों पर सबसे बड़ी आर्थिकी बनने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है आप देखें वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं अब अपनी शर्तों पर कच्चा तेल खरीदेगा भारत भारत को दो महीने तक क्रेडिट देने के लिए तैयार है कई देश भारतीय कंपनियों कंपनियों से लंबी अवधि का समझौता चाहता है अमेरिका चालू वित्त वर्ष में खपत दस परसेंट बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही लक्ष्यों को हासिल कर इसरो के पोएम तीन ने लिखी सफलता की नई कविता

अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म को यान रॉकेट के चार चरण का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन की डेथ हो गई है इस चंद्रशेखर सरकार में चार महीने केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला था ना? आप देख रहे हैं कि दुनिया में उठा पटक चल ही रही है देखिए रूस यूक्रेन यहां को इजराइल और हमास देखने को मिल जाएगा और ये हमारा प्यारा भारत है तो गाजा में हवाई हमले में तीन फलस्तीनी मारे गए देख रहे हैं दुनिया में उठा पटक चल रही है सिख अलगाववादी निज्जर हत्याकांड की जांच में सहयोग कर रहा है भारत कनाडा की एन जोड़ी थॉमस ने कहा संबंधों में हो रहा है सुधार पिछले साल निज्जर की हत्या के बाद आ गई थी रिश्तों में कड़वाहट आप देखिए भारत यात्रा पर निकला विश्व का सबसे बड़ा क्रूज इस क्रूज में आप देखिए पांच हजार छह सौ दस यात्री और तेईस सौ पचास चालक दल के सदस्य सवार हो सकते हैं यह लंबाई में आप देखिए टाइटन जहाज से लगभग पैंतीस फीसदी अधिक लंबा है इस क्रूज में सात फुल पूल और नौ वर्ल्ड पूल है इसमें विशाल वाटर पार्क भी है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज को यूरोपीय देश फिनलैंड ने बनाया है अच्छी बात है ये आप देखिए काला पानी सुस्ता के अतिरिक्त भारत के साथ कोई भी सीमा विवाद नहीं नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा दोनों देश साझी संस्कृति में एक साथ बने हुए हैं देख लीजिए आप लोग ये नेपाल है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम पश्चिम बंगाल पांच राज्यों की सीमा लगती है पारी। चीन में हाई स्पीड ट्रेनों का रख रखाव ट्रंप को मानहानि मामले में लेख का करोड़ को देना होगा हर जाना अमेरिकी ज्यूरी ने आठ दशमलव तैतीस करोड़ डॉलर देने का दिया निर्देश डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे चलिए देख रहे चल रहा है देखिए खिलाड़ियों का ये आप लोगों को एक बात याद रखना है किस खिलाड़ी के संबंध किस खेल से उसने क्या उपलब्धियां हासिल की ये आप लोगों को याद रखना चाहिए ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे पल है भूपन्ना कह रहे हैं रोपन बपन्ना ने जीता अपने करियर का दूसरा कह रही पुरुष डबल्स वर्ग में चैंपियन बनने वाले तीसरे भारतीय सवाल इंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है ये और सिनर के सामने आज मेदवीदेव की चुनौती है लय बरकरार रखने उतरे की भारत की अंडर उन्नीस टीम पहले सुपर सिक्स में जगह पक्की करने वाली रिकॉर्ड पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम रविवार को यह अंडर कप में अपने अंतिम ग्रुप में मैच में अमेरिका पर आराम से जीत दर्ज करने की उम्मीद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दी मात भारतीय टीम को मिला भी भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप विश्व ग्रुप एक विले मुकाबले खेलने के लिए सहयोगी स्टाफ सहित भारत डेविस कप टीम के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने, जा, ने जीता स्वर्ण पदक रिदम सांगवान और उज्जवल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में एल मिरा कारापियान और वेनिस वेनिक खलघटान की आर्मीनियाई जोड़ी को सत्रह सात से हराकर आई एस एस एफ विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीता है इस लीग से हटने के कारण झटका लगा है गल्फ की जीत में चमके ब्रेथवेट गिलीसन क्रिकेट डायरी की बात हो रही है भारतीय महिला टीम हॉकी पांच के फाइनल में पहुंची है दक्षिण अफ्रीका पर छह तीन के रोपांच करते हुए हॉकी महिला विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर गई है फिरोजा के साथ ड्रा खेल गुक दूसरे स्थान पर आए भारतीय ग्रेड मास्टर की बात हो रही दीप ग्रेस का एकका का, का अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर और पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ दीप ग्रेस एक शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से समान्यास ले लिया है दो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दीप ग्रेस ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था किसानों के लिए सौर सारथी बनाया सुहानी ने कृषि संबंधी नवाचार के लिए आप देखते हैं कि छात्रा सुहानी चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में दिया गया सम्मानित किया गया 11वीं की इस छात्रा ने 30 साल की 3 साल की मेहनत के बाद सौर ऊर्जा से संचालित तो वह वाहन तैयार किया है 3 इन वन उपकरण के जरिए किसी के क्षेत्र में नवाचार करने वाली इस युवा शक्ति को मिली देश भर में पहचान गणित के गूगल बॉय के नाम कई कीर्तिमान ए उम्र महज छः साल अब तक तीन किताबों का प्रकाशन यही नहीं इंडिया नहीं इंडिया बुक के ने कीर्तिमान को दर्ज कर लिया है बिलासपुर के होनहार बालक गणित के गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध शिखर छू रहे अरमान की उपलब्धि देश के कोने कोने तक जा पहुंची है उनके इस कीर्तिमान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी बीते दिनों राष्ट्रपति भवन के कला एवं टॉपर में तो बने सि... लेकिन अब सिद्धार्थ की मंजिल नहीं आईपीएस मनोज शर्मा की जिंदगी पर आधारित फिल्म बारहवीं फैल की इन दिनों खूब चर्चा हुई इस फिल्म के किरदार की तरह देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता भी सातवीं कक्षा में उनके जिले में पदस्थ एस डीएम से प्रेरित हुए और यू पी पी की परीक्षा में देश भर में टॉप कर किया इन्होंने अच्छी बात है आप देखेंगे आप लोगों में मोटिवेशन स्टोरी यहाँ से ले सकते हैं समझ रहे हैं यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं की, की कप्तानी ने मैं भारत ने जीता पहला अंडर 19 विश्व कप भारत ने वर्ष 2000 में सन 2000 में आज ही के दिन पहला अंडर 19 विश्व कप जीता था मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारतीय टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से हराया था मैन ऑफ द मैच रितेंद्र सोडी और प्लेयर ऑफ द सीरीज युवराज सिंह चुने गए थे दुर्घटना का शिकार हो गया अमेरिका का अंतरिक्ष चयन चैलेंजर उन्नीस में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष चयन चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुर्घटना में सभी सात अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी उड़ान भरने के तिहत्तर सेकंड के भीतर ही और इसमें विस्फोट हो गया था उमरने वालों में एक शिक्षक भी थे जिनका चयन असैन्य नागरिक के तौर पर किया गया था लाला लाजपत राय की मौत ने देश में पैदा की थी क्रांति की नई आग महान स्वतंत्रता सेनानी

पर्सी ब्रेंस के द्वारा जुटाए गए डाटा से मिली संकेत मंगल पर मौजूद था जीवन ये आप देखिए रोवर को उसी तरह की गाद मिली जैसे धरती पर नदियों और झीलों से में पाई जाती है और देखिए अगर हम नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये नासा ये जरूर याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिल जाएगा नासा का और इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 29 जुलाई उन्नीस में हुई थी यह भी याद रखिएगा मंगल ग्रह पर पानी की अवधारणा अंतरिक्ष युग से सैकड़ों वर्ष पहले की है सबसे पहले कागोल शास्त्री विलियम हर्सल ने सत्रह में इसकी संभावना जताई थी और उसके बाद परसिवल लोवेल 1855 से 1916 सौ थे जिन्होंने भूमध्य रेखा पर निवासियों के लिए ध्रुवों से पानी लाने के लिए नहरों का एक नेटवर्क बनाने वाली मंगल ग्रह के लोगों की एक जाति की कल्पना की थी हालांकि तब कागोल में उन्होंने खारिज कर दिया था उन्नीस सौ पच्चीस और उन्नीस

दुबई में स्थित एक्सपो सिटी में धाय लाइट फेस्टिवल ये आप देखिए सांस्कृतिक उत्सव है इसके नासा के अंतरिक्ष यान ने खींची जापान के चंद्र लैंडर की, चंद की सॉफ्ट लैंडिंग की तस्वीर गर्ल्स बिल बी गर्ल्स ने सन डांस फिल्म फेस्ट में दो पुरस्कार जीते हैं रिचा चड्डा और अली फजल की पहली फिल्म गर्ल्स बिल बी गर्ल्स ने 2024 में सन डांस फिल्म फेस्टिवल में दो पुरस्कार जीते भारत अमेरिका सहनिर्माण में में बनी डॉक्यूमेंट्री नॉक्टर्स को भी पार्क सिटी यूटा में आयोजित महोत्सव के वार्षिक पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है चलिए कैंसर से होने वाली मौतें कम हो रही हैं लेकिन रोगियों की संख्या नहीं घट रही है तीन मुख्य कारक आए सामने धूमपान में गिरावट रोग था रोग का सीख पता लगाना और उपचार में काफी स्तन कैंसर से मौत का मामले में कमी आने की बात हो रही मृत्यु अड़तालीस पीती लाख से घटकर सत्ताईस पीती लाख हो गई है मच्छर में पाए जाए जाने वाले प्रोटीन से हो सकेगा डेंगू से बचाव देख रहे हैं अनुसंधान कह रहे पंद्रह साल में तैयार महल से एक रात में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में स्थित एंड स्पेस सेंटर आम लोगों के लिए रखा जाएगा स, सुरक्षित बनाने के लिए स्पेस शटल को विशेषात्मक सफेद कवर से ढका दिया गया है उल्लेखनीय है कि इस इस स्पेस सटल ओपीओबी को 105 मई 201992 में अपने पहले मिशन का रवाना हुआ था मई 2011 में अपना 25वां और अंतिम मिशन एटीएस 134 किया था और इसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया था ये आप देखिए मूवीओ से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है आप लोग पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए आपका कोई सवाल हो सुझाव हो तो बता सकते हैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और आज रात आठ बजे आप लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए और आपके जो सवाल हो सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा धन्यवाद